स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नेम क्वांटम क्लासेस पर। ये मैं जो आप सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो ऐसे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद नहीं कर पा रहे। अब चूंकि मैं केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स से बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स, जैसे आयनिक कंपाउंड हो सकता है, कोवेलेंट कंपाउंड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो सकता है, उसकी स्टडी करने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही हुआ, बेसिक बात तो यही कि एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बाद फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं पहले बताऊँ। पहली बात ये है कि आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, जिसे जेड बोलते हैं, ठीक है। अब जब एटॉमिक नंबर मालूम पड़ गया फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और करो, ठीक है। एटॉमिक नंबर मान लो सोडियम है, यहाँ सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें तो 2.8.1 होता है। ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। इसके बाद हम ये भी देखें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहरी सेल में, मतलब बैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या है, तो आपका 1 है। अब अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन को उस एटम के आसपास दिखा दें तो ये बन गया लीव्स डॉट स्ट्रक्चर। तो ये जो टॉपिक है लीव्स डॉट स्ट्रक्चर का, ये तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं कुछ एलिमेंट दूंगा रैंडमली और मैं उसके एलिमेंट को एटॉमिक नंबर को समझाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि एलिमेंट का किस एलिमेंट के साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा, कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा रैंडमली देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स ई, ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पर एफ, यहाँ पर मैंने लिख दिया सी एल, रैंडमली इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया मैग्नीशियम, यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सिलिकन, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने फॉस्फोरस, यहाँ मैंने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉपर, फिर लिख दिया जेड। तो अब इसके बाद फिर हम देखते हैं सिल्वर, फिर देखते हैं गोल्ड, ठीक है, और देखते हैं टंगस्टन। तो इतने एलिमेंट का ही हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि इसमें से सबसे कम एटॉमिक नंबर का एलिमेंट क्या हो सकता है। मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। जब आपको मालूम पड़ गया कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो तुरंत वहीं का वहीं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लिया 2.7। ये हम अभी 11 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। फिर हम जब हमने ये काम कर लिया, फिर ये देखो कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो आपके 7 है। तो क्यों ना करो, क्यों आप ये काम ना करो यहीं पर फ्लोरीन लिख के और 6 इलेक्ट्रॉन दिखा डालो, 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 6, 7। तो ये आपका हो गया लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, ये आपका याद करने का एक मेथड हो गया। सबके करा तुम, मान लो सिलिकन तो इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.4 हो गया, ठीक है। अब हमें इसका लीव्स स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसी के नीचे क्या करो, सिलिकन लिखो, जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उतने दिखा दो, हो गया लीव्स स्ट्रक्चर। एक और काम करते हैं, एल्यूमिनियम देखते हैं, तो आइडिया लगाओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, ठीक है, ये एक मेटल है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2.8.3। अब अभी हम लीव्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आयन की। तो पहले लीव्स स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद फिर क्या है, एटॉमिक नंबर और लीव्स स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या करें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। जिंक देख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है।
तो जिंक का, जिंक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात करते हैं कॉपर का, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बात की बात है। पहले ऐसे देखते हैं 2.8.1, अब ये कितने हो गए आपके 2.8.11 हो गए। 11 को हम इसमें से घटा दें तो कितने बचे, 18 बचे ना बचे, मतलब 1.8 बचा और ये बचा, तो 19 हो गए, 29 हो गए। ऐसे हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करना चाहते हैं तो यही काम कर लेते हैं, 2.8.18.2। अब बताइए इतनी बात समझ में आ गई। सिल्वर की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सिल्वर की बात कर लेते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं गोल्ड, गोल्ड के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें तो देखो ये आपका एक्स ई है, क्या है एक्स ई नहीं आर एन ले लो, क्या ले लो आर एन, क्योंकि ये आपका होता है 86, ठीक नहीं 86 नहीं 79, क्या ये 79 तो नहीं ले सकते, आर एन नहीं ले सकते, ठीक है। अब लॉजिक समझ में आ गया, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कोसी भी इनर्ट गैस को हम तब लेते हैं जब उससे, उस इनर्ट गैस से है ना बड़ा हो एटॉमिक नंबर, तो 79, तो ये यहाँ पर 54 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो 54 एक्स ई निकल गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 6s2 आ जाएगा, इसके बाद आता है 4f14, सीधी बात है, फिर 5d। अब देखो जब हम गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो गोल्ड होता है मरकरी के पास, ठीक। तो अब सीधी सी बात है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है और 79 इसका नंबर है, 54 तो आपका ये हो गया, एक जोड़ दोगे तो 55 हो गए, एक और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 55, 65 और 75, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10। इतनी बात समझ में आई, तो ये आपकी कंडीशन है और ट्रिक है, यही ट्रिक्स है, मतलब ऐसे हमें दिमाग में सोचते हैं, जब तक हम ये दिमाग में नहीं सोचेंगे हम नहीं कर सकते। और देख लेते हैं, चलो अब 54 का तो मैंने कहानी बताई थी, 54 का तो इसमें तो आपका 5s2 और 5p6 होता ही। यहाँ पर एक और चीज सीखो कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया और कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वैलेंसी में या कंपाउंड बनाने में, तो उसे बोलेंगे 5p। यहाँ पर क्या हो गया 5p। चलो पोटेशियम देखते हैं, 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.1 हो गया, ठीक है। अब हम टंगस्टन का देखते हैं 74, ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है। मैग्नीशियम देखते हैं 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 2.8.2। फॉस्फोरस देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है 15, तो 2.8.5। क्लोरीन देखते हैं 17, 2.8.17। अब ये सारे एलिमेंट में यहाँ से रफा दफा नहीं कर रहा, और समझ रहे हैं रफा दफा करना मतलब मुझे रफा नहीं करना है, इसके तुरंत बाद ही मैं आपको बताऊंगा कैसे गैस करना है कि इस एलिमेंट का कैटायन बनेगा, कैसे गैस करना है कि इस एलिमेंट का एनायन बनेगा, मतलब चार्ज स्पेसिस कैसे बनानी है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो के बाद तुरंत बाद, अब आप इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप एक और वीडियो को देखने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीख लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सीखो ज़्यादा, लर्न कम करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। इसी शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम क्लासेस पर। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एटॉमिक नंबर को लर्न करने और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का के लिए कुछ ट्रिक्स बताई थी, और आई होप कुछ एलिमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था, कुछ एलिमेंट के बारे में आप समझेंगे तो आपकी स्टडी में थोड़ा सा उछाल आएगा। अब हम देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट ही लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे मैंने, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ एलिमेंट से ही धमाका हो जाएगा।
तो अब हम ये देखेंगे कि किस एलिमेंट का, अब हम आयंस देखेंगे किस एलिमेंट का एनायन बनेगा, किस एलिमेंट का कैटायन बनेगा। तो पहली बात ये है, जैसे हम हीलियम देखते हैं तो हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 8 होते हैं, ये भी 8 होते हैं, ये भी 8 होते हैं, ये भी 8। इसका सेंस क्या हुआ कि सारी सारी ऐसी इनर्ट गैसेस हैं हीलियम को छोड़ के जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गई, इसका मतलब क्या है, सारे एटम इन जैसा ही बनना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन देंगे चाहे इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ऐसी स्पीसीज जिस पर कोई चार्ज हो, जैसे मान लो पीवी प्लस 4 हो जाए, पीवी प्लस 2 हो जाए, अब ऐसा होता क्यों है वो देखो। ऐसा इसलिए होता है कि जब जो आपका नॉर्मल 82 पीवी था उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने रह गए, 78 हो गए। 78 एटम नंबर किसका होता है, प्लैटिनम का होता है, क्वाइट स्टेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 82 से 81 गया, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लिया इसने, मरकरी का, ये भी क्वाइट स्टेबल होता है। मरकरी अगर देखें जिंक देखें तो ये आपके मेटल की तरह नहीं होती, क्यों नहीं होते, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, डी ऑर्बिटल एकदम से फिक्स होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की बात है बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक्साइटेड केस में, और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका दूसरा पहलू देखते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फ्लोरीन नियॉन जैसा बनना चाहता है, ये फ्लोरीन अब कैसा हो गया, नियॉन जैसा, क्यों हो गया, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। मतलब ये हुआ, अब आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए और इसे समझना चाहिए कि कैसे आप एटम को आयन में एनायन में कन्वर्ट करें, कैसे आपका कैटायन। तो सोचो विचार करो, मान लो आयरन, ठीक है, अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो बन जाएगा Fe+। तो इसे फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो फेरिक बोलते हैं। एक बात हमने आपको समझाई है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, पहले ये देखो कि एटम आयन तो नहीं है, एटम कैटायन तो नहीं है, एटम एनायन तो नहीं है। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से किसी भी एटम के ऊपर 2 चार्ज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। जिस पर निगेटिव चार्ज होगा उसमें समझो उतने ही, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो ये बता रहा है कि उतने इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गए। तो अब ओवरऑल यहाँ पर जब हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को हम एनायन कहते हैं, उसे पता लगाने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये पता लगाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में अगर कैटायन है उतने ही इलेक्ट्रॉन कम कर दो, उतना ही नंबर कम कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज है एनायन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ा दो। चलो अब देखते हैं, सोचो अब सल्फर के पास कौन सा एलिमेंट हो सकता है जिस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अक्वायर करेगा। तो सल्फर का पहले सोचते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, भाई इसका एटॉमिक नंबर तो 16 है, 16 में 2 जोड़ दो, जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, S- आयन, इसे बोलते हैं सल्फाइड आयन, SulphiDE। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये 18 के बराबर नहीं हो गया, ये भी तो 18 के बराबर हो गया है, मतलब इसने आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अक्वायर कर लिया। तो हमने आपको नहीं बताया, आप खुद ही इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं तो मोनो एनायन बन गया, डाई ले रहे हैं तो डाई हो गया, 2 हो गए, तो ओवरऑल आपको क्या देख रहे हैं, यह बन गया एनायन। चलो यहाँ पर आ जाते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है, इलेक्ट्रॉन आपके कितने चाहिए, 3,
तभी तो नियन जैसा होगा, तो नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज लगा दो। ऑक्सीजन का डबल नंबर होता कितना है? 8। 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ो तभी बात बनने वाली है, ठीक है? तो कितने हो गए? O-2। फॉस्फोरस का डबल नंबर क्या है? 15। तो फी पर नेगेटिव चार्ज जोड़ दो, हो गया। अब आप देख रहे हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मतलब नियोन जैसा है ये और दोनों एक जैसे हैं। ये आपका फॉस्फोरस है तो वही ये क्लोरीन जैसा हो गया। अब समझ में आ रहा है कि किसी भी एटम के पड़ोसी वाले एटम जो इनर्ट गैस हो सकता है उस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या शेयरिंग करेगा, ठीक है? जितनी बात समझ में आई। अब हम बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन में क्या होगा? बोरॉन आपका 5B है, तो 5B के लिए फिर क्या करेगा वो? या तो वो इलेक्ट्रॉन 3 दे या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, ठीक है? तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन होते बस, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और हीलियम जैसा अपने आप को बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ ये सब 3 इलेक्ट्रॉन 5 ले नहीं सकता, 3 दे नहीं सकता, तो शेयरिंग करेगा, ठीक है? तो ये शेयरिंग करने वाला एलिमेंट है। फिलहाल हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। आयरीन है तो FCl और आपका Br और I सारे के सारे बनाते हैं नेगेटिव चार्ज वाले आइंस, एनाइंस बनाते हैं। SN प्लस 4 भी हो सकता है और SN प्लस 2 भी हो सकता है। अगर प्लस 4 है तो स्टेनिक है, क्या है? स्टेनिक। अगर प्लस 2 है तो ये है स्टेनस, कॉपर में आ जाती है। कॉपर की वैलेंसी या तो 2 होगी या कॉपर की वैलेंसी आपकी कितनी होगी? 1। ZN की वैलेंसी फिक्स है 2 होगी, निकल की वैलेंसी फिक्स है 2 होगी, पोटेशियम की वैलेंसी फ्लक्स फिक्स है, मतलब पोटेशियम आयन जैसा हो गया। तभी तो सोडियम Na प्लस बना करके कैसा हो गया? नियोन जैसा हो गया, ठीक है? मैग्नीशियम Mg प्लस 2 बना करके कैसा हो गया? नियोन जैसा हो गया। कैल्शियम Ca प्लस 2 करके कैसा हो गया? एल्यूमिनियम। और ये 13 है, इलेक्ट्रॉन 3 दे दिए तो Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन देकर ये कैसा हो गया? नियोन। यहाँ पर आपको एकदम से स्पष्ट हो रहा होगा कि कब कैटायन बनेगा, कब एनायन बनेगा, जब आप मेंटली है ना, मेंटली मेंटल मैथ की तरह मेंटली डिस्कस करेंगे तो आपके भेजे में घुस जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कब एनायन बनता है, कब कैटायन बनता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बात 10th क्लास के बच्चों को भी पकड़ लेनी चाहिए अच्छे से, रस्सी की तरह। तो क्या हुआ कि आप किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ साथ उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रक्चर भी सीख जाओ, तो सबसे पहले चालाकी करो। बॉन्ड स्ट्रक्चर में जब आप एक सिंगल बॉन्ड की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 2 बॉन्ड की जगह पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 3 बॉन्ड की जगह पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, तो आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या है। और एक और बात, किसी भी एलिमेंट के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे हो वो उसका लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पर भले ही कॉम्प्लिकेटेड है पर मैंने आपको समझाया, वीडियो आपको फुल देखना पड़ेगा तभी बात बनने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट्स को लेकर के उनके आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा करके हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे और उनके देखेंगे लीफ स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो वेट करिए, इंतज़ार करिए उस वीडियो का जिसमें मैं लेके आने वाला हूँ क्या कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे बनाएंगे। उसी के साथ साथ हम ये भी आपको सिखाएंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, और तो और उस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, ओवरऑल कितने एटम्स हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।